हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शिशु कुमार आप लोगों के बीच एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई एजुकेशन। तो दोस्तों, आज से पहले आपने हमारे कई सारे न्यू लॉन्चेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देखा होगा, जो कि नोएडा के अलग अलग लोकेशन से होगा, चाहे वो नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 10 का हो, सेक्टर 12 का हो, जहाँ हमने आपको एलिट ग्रुप, एल्डेको ग्रुप एज वेल एज आयरिस प्लेटिनम के बारे में बताया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेंट्रल नोएडा के, तो हमने आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं, चाहे वो सेक्टर 77 में एक्सप्रेस से रिलेटेड हो, चाहे वो काउंटी ग्रुप से रिलेटेड। तो बात करते हैं नोएडा एक्सप्रेस वे पे, तो आपने हमारा वीडियो ज़रूर देखा होगा न्यू लॉन्चेस में, गोदरेज का, जॉर्डानिया का, उसके अलावा आपने एक्सप्रियन ग्रुप का एलिमेंट का भी देखा होगा। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं नोएडा के अंदर, तो अब हम लोग इसको लोकेशन में चलते हैं दोस्तों, और बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस वे की। यमुना एक्सप्रेस वे का आपने हमारा एक वीडियो ज़रूर देखा होगा, जहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से आपको बताया कि क्यों यमुना एक्सप्रेस वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और क्यों आज से लगभग 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल के स्टेजेस को देख करके गवर्नमेंट ने प्लान किया है यमुना एक्सप्रेस वे को डेवलप करने का, जहां पे एबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है और जितने भी चैलेंजेस थे गवर्नमेंट ने और ऑलरेडी सभी को ख़त्म कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ अपॉर्चुनिटीज की, तो यमुना एक्सप्रेस वे ऐसा एक लोकेशन बनने वाला है जो कि नेक्स्ट 5 से 10 साल के अंदर अंदर वर्ल्ड के मैप में जाना जाएगा दोस्तों, और ऐसा जाना जाएगा जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो, जहाँ पे फिल्म सिटी भी हो, जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हो, एम्प्लॉयमेंट की कोई परेशानी ना हो, आईटी हब हो, कई सारे डेटा सेंटर्स हो, उसके अलावा कार्गो हो, उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे कॉलेजेस एज वेल एज कई सारे यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी वहाँ पे प्लान है, जिसमें से 3-4 ऑलरेडी आज के टाइम में ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें अगर मैं नाम लेता हूँ दोस्तों, तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब ऑलरेडी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो ऑलरेडी पिछले 4 सालों से ऑपरेशनल हो चुका है दोस्तों। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कई सारी कंपनीज जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डेवलप कर चुकी है, और ऐसा सुना जा रहा है कि एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 2024 के लास्ट तक में ऑलरेडी एक लेन का स्टार्ट हो चुका होगा, रनवे स्टार्ट हो चुका होगा, और उस पर कई हद तक फ्लाइट का काम स्टार्ट हो चुका होगा दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें कि नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर पोजिशन आने वाला है, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसको हम लोग देख सकते हैं इंडिया के ऐसे किसी भी कोने में जहाँ पे भी एयरपोर्ट हो और उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल अपॉर्चुनिटी आई हो, और स्टार्टिंग में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन एज वेल एज कैपिटल ग्रोथ मिलता है। और अगर आप वहाँ पे खुद रहना भी चाहते हैं तो एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसे कनेक्टिविटी के बीच में आप रहते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की आपको कमी ना हो, ना ही हेल्थ केयर हॉस्पिटल की कमी होगी, ना ही इंटरनेशनल स्कूल्स की कमी होगी, ना ही आपको एम्प्लॉयमेंट की कमी होगी, ना ही आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट की कमी होगी। तो ऐसे लोकेशन पे कई सारे डेवलपर अब न्यू लॉन्चेस करने जा रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बताने वाला हूँ दोस्तों, वो एक निम्बस ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूँ। निम्बस रियलिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो नोएडा के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट इनके डिलीवर्ड हैं, आज तक उन्होंने लगभग 10 से 12 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं अलग अलग लोकेशन पे, जिसमें अगर मैं नोएडा की बात करता हूँ तो काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट का जो नाम आता है वो डेफिनेटली आपको गोल्डन पाम का नाम आता है, जो कि सेक्टर 168 में है। आज के टाइम में वहाँ पे रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छा है, रेंटल वैल्यू काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाइड पार्क, जो कि सेक्टर 78 में है, उसमें भी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छा है, रेंटल वैल्यू काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम विसिनिटी दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात कर लूँ तो निम्बस ग्रुप का ही लो राइज एज वेल एज हाई राइज के भी ऑप्शंस हैं, जो कि डिलीवर्ड हो चुके हैं या लो राइज अभी डिलीवर्ड होने वाले हैं। तो जिस प्राइस में उन्होंने लॉन्च किया था और जिस प्राइस में आज वो पोजीशन के स्टेज पे हैं या हाई राइज ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं, वहाँ पे लोगों को काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट मिला है दोस्तों। इसी सीरीज को निम्बस ग्रुप आगे बढ़ाते हुए अगर मैं बात करता हूँ तो आज एक 12 एकड़ का लैंड पार्सल उन्होंने ऑप्ट किया है, गवर्नमेंट से लिया है, अथॉरिटी से लिया है, 100% फुल्ली पेड अप लैंड है, यूपी रेरा नंबर इसका आ चुका है। 12 एकड़ का लैंड होने वाला है दोस्तों, जिसमें आप मिक्सअप ऑफ रिटेल, स्टूडियो, लो राइज के, 3 BHK, ये सारे मिलने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, या तो वो हाई राइज होता है, या तो वो
काइंड ऑफ लो राइज कभी आपने नहीं सुना होगा, इंडिपेंडेंट फ्लोर कभी आपने नहीं सुना होगा। बहुत ही हार्डली ऐसे बिल्डर होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट फ्लोर के साथ रिस्क लेते हैं। जब मैं रिस्क की बात करता हूँ तो रिस्क का मतलब ये होता है कि हाई राइज में बिल्डर के पास कई अपॉर्चुनिटी होती है अपने प्रॉफिट को मल्टीपल करने के लिए, लेकिन जब मैं लो राइज की बात करता हूँ तो कॉस्टिंग काफ़ी हाई हो जाता है। और उसके अलावा हाई राइज और लो राइज में डिफरेंस ये भी आ जाता है कि हाई राइज को जितना बनने में टाइम लगता है, लो राइज को जस्ट उससे हाफ बनने में टाइम लगता है। बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया है इस प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट का नाम टी पाम विलेज इज द प्रोजेक्ट नेम। एक ऐसे लोकेशन पे होने वाला है जहाँ पे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी पास हो, जहाँ पे एयरपोर्ट ट्रैक काफ़ी पास हो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी पास में ही हैं। तो अगर मैं 2 से 5 किलोमीटर के रेडियस में बात करता हूँ दोस्तों, तो ये सारी जो कनेक्टिविटी है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके इस प्रोजेक्ट के नियर बाई में आए। चलिए चलते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या आ रहा है और आपके लिए क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर मैं स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करता हूँ दोस्तों, तो स्टूडियो अपार्टमेंट 525 स्क्वायर फीट का होगा, फुल्ली फर्निश्ड होगा, जिसका की कॉस्टिंग अप्रोक्स 55-60 लाख रुपीज़ होने वाला है। बैंक लोन फैसिलिटी है यहाँ पे, इजी पेमेंट प्लान है। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक सुनहरा अवसर है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं रिटेल शॉप की बात करता हूँ दोस्तों, तो लगभग 350 स्क्वायर फीट का रिटेल शॉप आपको मिलेगा यहाँ पे। और टोटल नंबर ऑफ रिटेल शॉप, जिसे हम एक सोसाइटी शॉप भी कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट का, जो कि कम्प्लीटली रोड को फेस करते हुए है, तो यहाँ पे आपको लगभग 350 स्क्वायर फीट का रिटेल शॉप भी मिल सकता है, तो उसे भी आप ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिटेल शॉप की अगर मैं बात करूँ तो हार्डली 40 से 45 ही रिटेल शॉप है। तो अगर आप सोसाइटी रिटेल शॉप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देर ना करें। इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ लो राइज डेवलपमेंट की। तो लो राइज डेवलपमेंट में जो आपको साइजेस मिलने वाले हैं दोस्तों, वो सारे के सारे 3 BHK के ही साइजेस मिलने वाले हैं, जिसमें 2000 स्क्वायर फीट का 3 BHK होने वाला है, 2150 स्क्वायर फीट का 3 BHK होने वाला है और 2175 स्क्वायर फीट का 3 BHK होने वाला है। एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट होगा दोस्तों, लिफ्ट की सुविधा होगी इसमें, ग्राउंड प्लस 4 की इसकी हाइट होगी और जितने भी फ्लैट्स होंगे वो सारे के सारे 2 साइड ओपन फ्लैट्स होंगे, सारे के सारे ग्रीनरी को फेस करते हुए एज वेल एज रोड को फेस करते हुए होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लब हाउस का भी प्लान किया गया है और उस क्लब हाउस के अंदर आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज फैसिलिटीज मिलने वाली है, जो नॉर्मली किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको मिलती है दोस्तों। तो अगर मैं फैसिलिटीज की बात कर लूँ दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलने वाला है, टेनिस कोर्ट मिलने वाला है, बास्केटबॉल कोर्ट का प्लान किया गया है, बैडमिंटन कोर्ट का प्लान किया गया है, एज वेल एज सारे इंडोर गेम्स फैसिलिटी का भी प्लान किया गया है क्लब हाउस के अंदर। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या छोटा सा ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप का था, इस प्रोजेक्ट का था, जिसका नाम है निम्बस द पाम विलेज। निम्बस इज द ग्रुप एंड द पाम विलेज इज द प्रोजेक्ट नेम। जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे नेक्स्ट 4 से 5 साल के बाद एक लैंडमार्क ही होगा, क्योंकि इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे नई चीज़ें आ चुकी होगी, बन चुकी होगी, जिसके वजह से वहाँ का वैल्यू काफ़ी अप्रिशिएट हो चुका होगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप यहाँ पे बुकिंग करना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे रियल्टी रिसर्च सेल्स टीम से ज़रूर कोऑर्डिनेट करें, जहाँ पे आपको प्रॉपर पिन एंड पॉइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जो कि डेफिनेटली डिसीजन लेने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। आने वाले टाइम में कुछ और भी न्यू लॉन्चेस होने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे में, जिसके बारे में आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और किसी भी तरीके का आप बुकिंग करना चाहते हैं, आप न्यू अलॉटमेंट में बेनिफिट लेना चाहते हैं, प्री लॉन्च का बेनिफिट लेना चाहते हैं, एज वेल एज अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सर्च करना है, तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि किस जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो सकती है, सिक्योर हो सकती है, एज वेल एज कितने टाइम में आपको वहाँ से एग्जिट करना चाहिए। ये सारी गाइडेंस आपको रियल्टी रिसर्च की टीम से मिल सकती है दोस्तों। एक बार हेल्प करने का मौका जरूर दें, ताकि हम आपको प्रूफ कर पाएं। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।